दोस्तों महाकाल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अभी मैं घर पे ही हूँ, सुबह के 8:30 बजे हुए हैं और अब मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है। आइए थोड़ा सा छत के ऊपर देखते हैं गांव का नज़ारा। अच्छा धूप निकला हुआ है और आप इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं आज एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो गांव का पिछले ज़माने से कूटा जाता था और उसका नाम है ढेकी। ढेकी के बारे में मैं इस ब्लॉग में स्पेशल आप लोग को दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा सूर्य भगवान का दर्शन कर ले। जय सूर्य नारायण देवता देवो भ्यो नमः। ये छत के ऊपर का है दृश्य हमारे गांव का। ऐसे कई जगह में घूम के आपको मैं दिखा रहा हूँ और फिर मैं नीचे की ओर चलता हूँ क्योंकि समय नहीं है। नीचे की ओर ये सीढ़ी है छत का। अब ये नीचे उतर रहे हैं और मैं आप लोग को अब मैं दिखाने जा रहा हूँ ढेकी। ये देखिए ढेकी हमारे यहाँ बहुत सालों से यहाँ पे विराजमान है। तो ये है ढेकी, इसको पूरा दिखा रहा हूँ आपको मैं। इतना लंबा होता है यह ढेकी और ये जो दिख रहा ये देखिए ये पैर रखने वाला है। ढेकी पे चढ़ रहा हूँ, ये देखिए इसको ऐसे दबाते हैं ऐसे और ये देखिए ऊपर ऐसे उठता है ये देखिए इसके चूल्हा लगे हुए हैं दोनों साइड। और इस ढेकी जब कुटाता है दोस्तों तो जैसे कि किसी पर्व त्योहार करना है, जैसे छठ करना है, छठ में शुद्ध चीज़ें चाहिए और शुद्ध चीज़ों के लिए ढेकी में ही कूट कर ही शुद्ध बनता है। क्योंकि आजकल आटा चक्की और मिलों में जो पीस कर भगवान को अर्पित करते हैं वो अशुद्ध माना जाता है। तो ढेकी भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पुराने ज़माने से थी, अभी भी गांव में है। जैसे खास करके मेरे यहाँ भी ढेकी है, ये देखिए इसमें चावल धान वगैरह दाल वगैरह डालकर कूटते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी मधुर आवाज़ है इसकी, मैं आपको बताना चाहता हूँ इतनी अच्छी इसकी मधुर आवाज़ है कि अगर ढेकी आप अपने यहाँ कूट रहे हैं तो अगल बगल वाले के यहाँ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उनके यहाँ ढेकी से अन्न कूटा जा रहा है। देखिए इसकी आवाज़ कितनी अच्छी रहेगी आपके कानों में। और वो जो ओखली है उसमें डाला जाता है, ये देखिए ये ओखली है, इसी में अन्न वगैरह डालते हैं और इसको ऐसे ऐसे चलाते हैं। और यहाँ पे लोहा का लगा रहता है, ये पत्थर का है ओखली। ये देखिए कुछ इसमें चावल वगैरह पहले से भी डाला हुआ है कूटने के लिए। ये देखिए ये बहुत ही मजबूत लकड़ी का बना हुआ है। हमारे यहाँ बाबा वगैरह और पिताजी वगैरह इसको बनवाए थे। ये देखिए लकड़ी का ही चूल्हा इसमें बनाकर इसमें सेट किया गया है। ये देखिए इसमें तेल भी डाल देते हैं कि आवाज़ ज़्यादा ना करे। और ये है, ये देखिए ये इसके ऊपर पैर रखे और इसको दबाएंगे तो ये ऐसे ऐसे ये उठेगा। कितनी इसकी मधुर आवाज़ है। तो दोस्तों ढेकी के नाम पे तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता ही है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं गांव के देहात का चीज़ों को और मैं इस ब्लॉक में आपको दिखाता हूँ। तो यह ढेकी की आवाज़ और ढेकी आप लोगों को तो बहुत दिनों के बाद देखे होंगे तो अच्छा लगा ही होगा। तो
एक ढेकी के नाम से, मधुर आवाज के नाम पे, और पुरानी चीज भी है उसके नाम से एक लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और फिर मैं अगले ब्लॉक में आपके पास उपस्थित होऊंगा गांव के कुछ देहाती चीज़ों को ही लेकर। कि चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय श्री रामचंद्र की जय।